जिस तरह से बिजली की बढ़ी हुई दरों के खिलाफ हमने आंदोलन लड़के संघर्ष किए, उसी तरह लगातार 13 दिन का जहां पूरे देश के अंदर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे थे, सीकर के आम आवाम और किसान ने एक नया रास्ता दिखाने का काम किया और लगातार 13 दिन तक 13 दिन और 13 रात खुले आसमान के नीचे उस ठंडक में आपने संघर्ष किए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से 13 दिन आपने संघर्ष किया, उसी तरह आने वाले 10 दिनों में अपन को उसी तरह से लगकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्च वाली के एक एक उम्मीदवार के पक्ष में रात और दिन एक करके अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार समझ के जो हमने संघर्ष किए उन संघर्षों को आम आवाम तक ले जाएंगे और आने वाली 7 तारीख को उनको हसिया तोड़े और सितारे के बटन दबाने का काम आप करेंगे, यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, यही अपील करता हूँ। मैं समझता हूँ कि सीकर जिले के इस लाल झंडे ने जो संघर्षों की श्रृंखला बनाई, पूरे देश को आपने रास्ता दिखाने का काम किया है और राजनीतिक रूप से भी आप परिपक्व हैं, आने वाले समय में इन तमाम मुद्दों को लेकर जाएंगे, 10 दिन तक अपने आप को उम्मीदवार समझ के आप दौड़ेंगे। आने वाले 5 समय में मैं आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि आपके दुख दर्द में, आपके अधिकारों की लड़ाई में हर वक्त इस कम्युनिस्ट पार्टी का एक एक नेता आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके संघर्षों में शामिल रहेगा। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहाँ 13 दिन तक लगातार सीकर का आम आवाम अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं छोड़कर जब आम आवाम चाहे कांग्रेस को वोट देने वाला हो चाहे बीजेपी को वोट देने वाला हो अपनी इस पेट की लड़ाई में शामिल रहे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक भी नेता कांग्रेस पार्टी का 13 दिन के अंदर एक सिंगल नेता भी उस संकट के बीच में नहीं आया और वो लोग आज हमसे वोट की अपील कर रहे हैं। इसलिए मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ सीकर जिले की मेहनत कश जनता और आवाम से कि जिन लोगों ने 13 दिन तक आपको मुंह नहीं दिखाया, आज उन लोगों को हमसे वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है और हम पक्के के साथ कह सकते हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी का मतदाता हो चाहे कांग्रेस का मतदाता हो, उसके घर तक 50-50 हज़ार रुपये कर्ज माफी के रूप में पहुंचाने का काम केवल और केवल इस लाल झंडे ने किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक मतदाता अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को छोड़कर इस संघर्ष में इस लाल झंडे को अपनी छाती से लगाएगा और अपने संघर्ष को आवाज़ देगा और वो आवाज़ विधानसभा के अंदर पहुंचकर उनको और ताकत प्रदान करने का काम करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो आने वाले समय में मुझे नज़र आ रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचारियों ने धन इकट्ठा करके शराब माफियाओं से साठ गांठ करके भू माफियाओं से साठ गांठ करके जो आने वाले समय में खतरा नज़र आ रहा है कि वो धन के दुरुपयोग के जरिए हमारे नौजवान किसान आम आदमी का ईमान खरीदने का जो प्रयास करेंगे उस खरीद के प्रयास का मुंह तोड़ जवाब देना है। और सीकर जिले के अंदर 6 उम्मीदवार खड़े हुए हैं जिन्होंने संघर्ष की अहम भूमिका निभाई है, न केवल भूमिका निभाई, आम किसान को आर्थिक तौर पे जो इमदाद पहुंचाने का काम किया है इसको राजनीतिक ताकत में परिणित करने के लिए हमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के उम्मीदवारों को विधानसभा के अंदर पहुंचना है और आने वाली 7 तारीख को हसिया हथौड़े और सितारे के बटन पर बटन दबाकर आम मेहनत कर जनता की आवाज़ को विधानसभा में पहुँचाना है। शराब माफियाओं से धन के दुरुपयोग से बचते हुए मुझे उम्मीद है कि सीकर जिले की मेहनत कश जनता जो राजनीतिक रूप से भी परिपक्व है इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और 6 विधायक बनके हमारे विधानसभा में पहुंचेंगे, यही अपील करता हूं।